हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग लॉगरिथम के पार्ट टू को। ये आपके लॉगरिथम के चैप्टर्स चल रहे हैं, लेक्चर नंबर टू होगा लॉगरिथम का। इससे पहले लॉगरिथम के एक और लेक्चर्स को दिए गए हैं और आपके यांगसर के रिगार्डिंग आपके जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं मैथमेटिक्स के, उसके रिगार्डिंग और भी अदर्स आपके चैप्टर्स के भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन सभी वीडियोज़ के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट को बना दिया गया है, तो जाइए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए इन सभी वीडियोज़ को। और आपको बता दें कि एक भी वीडियोस को मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट को सिखाया जाता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं। तो एक भी वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो डिफरेंट तौर पे आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट को जरूर मिस कर दीजिएगा। तो चलिए, इन सभी बातों की ओर ध्यान में रखते हुए आपको अपने पढ़ाई को करना है। और इस वीडियो में हम आपको और आगे आने वाले लॉगरिथम के कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। एक और लेक्चर होगा लेक्चर नंबर थ्री, तब आपके लॉगरिथम को यहाँ पे लेक्चर नंबर थ्री को बताने के बाद एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है, तो आप जाइए उस बैचेस को जरूर लीजिए ताकि आपको उस बैचेस के रिगार्डिंग जितने भी बेनिफिट है आपको वो मिल सके। बैचेस में क्या बेनिफिट है, कैसे है, क्या करना है, वो सभी आपके जब चैनल पे आप जाइएगा तो चैनल के स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियोज़ पर आप जाकर क्लिक करके उस बैचेस के बारे में भी आप कंप्लीटली जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे वन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि लॉग क्या आपका 25 to the power log 5 बेस पे 4 है, ठीक है। आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज यूज होता है, वो कौन सा प्रॉपर्टीज होता है आप उसको नोट करके यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको लॉग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, तो ये भी एक लॉग का ही प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या होता है कि अगर आपका क्या कहा जाता है, अगर आपका अगर ए टू द पावर लॉग ए बेस पे अगर कुछ भी रहे, जैसे मान लेते हैं ए बेस पे एक्स रहे, तो इसका वैल्यू क्या जाता है हमारा, सिंपल एक्स आ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, यदि आपके क्वेश्चन अगर इसको बताएं इस पे बेस्ड आपको, तो एग्जांपल अगर बताएं, यानी कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पे ई रहे और लॉ क्या रहा है आपका ई बेस पे और अंदर क्या रहा है वाई रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल वाई के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, ये जो अंदर का बेस और ये क्या आपका पावर, ये दोनों आपके इक्वल होते हैं, तो हमारा सिर्फ अंदर वाला वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका लॉ का प्रॉपर्टीज होता है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग एक और आपको एग्जांपल दे दें, तो जैसे मानते हैं कि आपका 10 रहे, ठीक है, और लॉग क्या रहे, लॉग आपका 10 रहे, ठीक है। जैसे कि 10 पे पावर लॉग 10 बेस पे अगर मान लेते हैं जेड रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल जेड क्या हो जाएगा, सिंपल जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनको हम बनाते हैं, तो ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड आपका यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन में है कि 25 to the power log 5 बेस पे 4, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं उसको, हम log 5 बेस पे 4, ठीक है। तो 5 log बेस पे 5, और ये क्या है 2 जो है आपका पीछे है, हम उसको क्या कर सकते हैं 4 पे पावर चला सकते हैं। कैसे, जब हम log m बेस पे m सॉरी log m टू द पावर n को हम जब n इंटू log m लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से जब आपका जब n पीछे रहेगा तो उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या करते हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका इक्वल टू 5 बेस पे log 5, 4 का स्क्वायर 8 होता है, ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतना का वैल्यू क्या होता है आपका, हमने क्या बताया था कि जब आपका यहाँ पे पावर और यहाँ पे बेस आपका दोनों सेम रहेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अंदर वाला। यानी कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट आपका है नंबर टू। नंबर टू क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि यदि लॉग 2 बेस पे लॉग 3, अंदर क्या है लॉग 2 एक्स है, ठीक है, इक्वल टू 1 दिया जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं। लॉग 2 है, अंदर क्या है लॉग 3 है, और अंदर क्या है लॉग 2 बेस पे एक्स है, इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लॉग को हटाने के बाद हमें एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेना स्टार्ट कर देंगे। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, ये बेस का होगा हमारा, इसका पावर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग 3 बेस पे लॉग 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा लॉग, एक सेकेंड, लॉग 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power 1। इसका क्या होता है आपका, ये बेस का ये हमारा पावर हो जाता है, यानी 2 to the power 1 हो जाएगा, जो कि सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग 2 बेस पे एक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लॉग 2 बेस पे एक्स का वैल्यू 9 हो गया, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 to the power 9, और 2 to the power 9 का आंसर हमारा आता है कितना, ये आपका आ जाता है आपका 512 के आसपास, ठीक है। कितना आता है आपका 512, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन से लिखा जा रहा है कि 1/3 log 10 बेस पे 125 माइनस 2 log 10 बेस पे 4 प्लस log 10 बेस पे 32, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले काम क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना, यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट करेंगे, ठीक है? देन फिर अपना हम लॉग का प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। देखिए क्या हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको मेरा काम है सॉर्ट करना। देखिए सॉर्ट करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3 लॉग 10 बेस पर रहने देंगे और 25 को 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है, माइनस टाइम्स 2 लॉग 10 बेस पे क्या है आपका 4 है, जिसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में लॉग 10 बेस पे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ से ये हमारा पावर है, ये आपका पीछे चला जाएगा, पीछे भी 3 है तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा लॉग 10 बेस पे 5, माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ लॉग 10 बेस पे 2, प्लस में क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ लॉग 10 बेस पे 2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि इसको बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा ये जो पावर है इसको अंदर ही लिख देते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्यों बेहतर होगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए तो हमारा पावर 4 था ना, तो इसके ऊपर पावर चलाते हैं 4 और ये 5 है, सॉरी ये 5 है, तो इसको ऊपर क्या चलाते हैं, ऊपर 5 चला देते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा क्या हमारा 10 है, सारा क्या हमारा 10 है, यानी 10 बेस पे है, तो इसको हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, लगा सकते हैं कौन से लॉक का, लॉक का कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो लॉक का हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकता है उसको लिखिएगा, ठीक है, जगह तो यहाँ पे नहीं है फिर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखिएगा लॉग एम प्लस लॉग एन का प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका लॉग एम इंटू एन होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन का, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है आपका एम अपॉन एन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। तो हम फर्दर क्या करेंगे, अब हम इस दोनों प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लॉग 10 है और यहाँ पे बेस, दोनों का बेस 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग, देखिए ये लॉग एम माइनस लॉग एन टाइप में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4, ठीक है, ये हमारा 5/4 हो गया, एक्चुअली 5/4 नहीं है, गलती लिखा गया है, 5/2 क्या है, 5/2 प्लस में क्या हो जाएगा आपका लॉग 10 बेस पे 2^5, तो ये क्या हो गया लॉग एम इंटू लॉग एन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं इकट्ठे, क्या करते हैं इसको हम इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको हम इकट्ठे कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा इसको हम लिखेंगे सिंपल लॉग, क्या लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में 5/2 इंटू में 2^5, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। इसको फर्दर काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 टाइम्स कट जाएगा, यानी ये सिंपल 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी एक पावर इसका ऊपर बच जाएगा, यानी आपका सिंपल कहने का मतलब है आपका यहाँ पे एक पावर बच जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया लॉग 5/2 हो गया और लॉग 5/10 यानी आपका 10 और लॉग ये क्या है आपका ये भी 10 बेस पे ही है, ये भी 10 बेस पे ही है, तो इसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है, हमने आपको बताया है, तो इसका भी आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन को पढ़िएगा, नंबर 4 क्वेश्चन में हमारा ये लिखा जा रहा है, फिर से हम उसी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, किस प्रॉपर्टीज को, इसी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, कौन सा वाला प्रॉपर्टीज, प्लस वाला प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं लॉग इन तीनों को एक साथ प्रोडक्ट में लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू में बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू में सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, तो हमारा हो गया लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए नीचे देखिए ए जो है 2 बार है, सी 2 बार है और बी भी 2 बार है, सब 2 बार है, यानी यहाँ पे भी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इसे कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग 1 और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 2 लॉग 10 बेस पे 5 प्लस लॉग 10 बेस पे 8 माइनस 1/2 लॉग 10 बेस पे 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल है, और हमें क्या करना है बस इसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, ये वाले प्रॉपर्टीज को, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे लॉग 10 बेस पे 5 का स्क्वायर प्लस में लॉग 10 बेस पे 8 माइनस में 1/2 को क्या करते हैं पावर चढ़ा देते हैं, यानी लॉग 10 बेस पे 4 पे पावर 1/2 लिखेंगे, तो 4 पे पावर 1/2 कहने का मतलब √4 और √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे लॉग का, तो लॉग 10 बेस पे यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 5/5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5/5 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग 10 बेस पे 5/4 = 20, क्या हो जाएगा 5/4 = 20 इंटू 4, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा आपका 80 यानी 80। कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं, चलिए गलती तो शायद नहीं हो रहा है हमसे, 5/5 = 25, एक सेकेंड हम गुना कर रहे हैं ना,
25 या 25 होगा, और 25 × 4 क्या होता है आपका, 25 × 4 होता है आपका 100। ठीक है, क्या होता है 100, क्या गलती कर दिए थे हम गुना करके। ठीक है, ये आपका 100 होता है। हम क्या करेंगे इसको फर्दर 10 बेस पे लॉग 100 को लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, ये 2 आपका पीछे चला गया, लॉग 10 बेस पे 10, और लॉग 10 बेस पे 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल 2 × 1, यानी आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चंस। नंबर 6 क्वेश्चंस क्या लिखा जा रहा है पढ़िए। तो नंबर 6 क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है कि लॉग 10 बेस पे 125 प्लस में लॉग 10 बेस पे 8, तो इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, इसको दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, यानी 125 × 8 क्या हो जाएगा, 125 × 8। तो लॉग 125 × 8 का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका होता है 2, 3, यानी 1000। क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, कर लीजिए मल्टीप्लाई 125 × 8, ये क्या होगा 8×5=40, बचेगा 4, 8×2=16, और ये क्या होगा 20, फिर 2 बचेगा 8×2=8, और ये 2×10 क्या हो गया 1000 हो गया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू हो गया, ये हो गया 10 पे पावर 3, 3 पीछे आ गया, लॉग 10 बेस पे 10 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये हो गया आपका 3×1, यानी आंसर हो गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि लॉग एक्स अपन वाई प्लस लॉग वाई अपन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। तो आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। ठीक है, हमारा क्या है, पहले में लॉग एक्स अपन वाई प्लस लॉग वाई अपन एक्स है इक्वल टू हमारा इसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग इसको एक्स अपन वाई इंटू में वाई अपन एक्स हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार। ये किसके बराबर है आपका, लॉग एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स कर गया, वाई से वाई कर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लॉग लॉग के अंदर क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया लॉग एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। तो हमें क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका हमारा 0 हो गया, सॉरी x माइनस वाई नहीं, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो आंसर मैच करेंगे, एक सेकंड, 0 कैसे हो गया, 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे गलती जो होगा वो गलती आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा यहाँ पे गलत है, क्या ऑप्शन नंबर ए गलत है, अभी हमें पता चल गया है तुरंत, तो हम आपको बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, गलत होगा। कैसे गलत होगा, आप यहाँ पे सोचिएगा कि हम क्या करेंगे, जब हमारा ये 0 आ गया, यानी कहने का मतलब लॉग एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया हमारा, सॉरी एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें मिला लॉग, हमें मिला यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम एंटी लॉग लेंगे, तो जो दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या बेस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी ई बेस है, नहीं दिया गया है तो ई बेस है, तो मानते हैं ई बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा e^0 हो जाएगा, और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, और इसके अनदर अप्रोच हम आपको बताएं, थोड़ा सा क्या है अनदर अप्रोच बताएं, तो वो क्या अप्रोच है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे का वैल्यू, यानी लॉग एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 कब आएगा, यानी इस लॉग के अंदर किसी भी वैल्यू क्या होगा आपका 0 कब देगा लॉग का वैल्यू, तो 0 हमें तभी देगा जब इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। इस पूरे का वैल्यू जब तक 1 के बराबर नहीं होगा तब तक हमें लॉग का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। तो इसके अनुसार भी समझ सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, जब तक आपके 1 के बराबर नहीं हो सकता है तब तक हमारा ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ सकते हैं, तो इस कंडीशन से क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका नंबर 8 क्वेश्चंस। नंबर 8 क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है कि 1 अपॉन लॉग ए इंटू बी, ए बेस पे बी सी है प्लस 1, प्लस 1 अपॉन लॉग बी बेस पे सी ए है प्लस 1, प्लस 1 अपॉन लॉग सी बेस पे ए बी है प्लस 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका मान क्या होगा, यानी इतना इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू, तो बनाते हैं, चलिए क्या करते हैं बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हमारा लॉग 1 अपॉन लॉग ए बेस पे बी सी है प्लस में क्या है 1 है। तो देखिएगा यहाँ पे जो सबसे मेन काम होगा वह क्या काम क्या है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छा है, लॉग भले ही क्वेश्चंस है, लॉग का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा, तो जब तक आप बेसिक प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़े रहिएगा तब तक ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वो क्या है आपका कि यहाँ जो एक है आपका, ये जो 1 लिखा हुआ है, हम इस 1 को लॉग ए बेस पे ए लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि लॉग जो भी बेस रहे उसके अंदर वैल्यू अगर सेम रहता है, यानी यहाँ पे ई रहेगा, यहाँ ई रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, अंदर 10 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हमने आपको इसका यूज करके कितने सारे क्वेश्चंस अभी तुरंत भी बताया है और प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था। ठीक है, तो उसका अनुसार क्या हो गया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लॉग ए बेस पे ए ही क्यों लिखे, बी बेस पे या फिर सी बेस पे सी, बी बेस पे बी, ऐसा क्यों नहीं लिखे। तो हमने इसको ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी क्या हमारा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ भी क्या हमारा, यहाँ बेस ए है और यहाँ बेस ए है। हम इसको ऐसा इसलिए लिखें ताकि हम इसको क्या करें, यूटिलाइज कर सके, ताकि इसको हम एक साथ इकट्ठा करके यूटिलाइज कर सके। ठीक है, इस कारण से हमने इसको ऐसा लिखा है। सिमिलरली यही अप्रोच लगाएंगे दूसरे वाले के लिए, लॉग बी बेस पे क्या आपका सी ए है। ठीक है, लॉग बी बेस पे क्या आपका सी ए है, एक सेकेंड रुक जाइए,
लॉग बी बेस पे क्या है आपका सीए है, प्लस में आपका क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लॉग बी बेस पे बी कर देंगे। अब यहाँ पे बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस बी है, यहाँ बेस क्या आपका बी है, इस कारण से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बी कर रहे हैं। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, वन अपॉन लॉग सी इंटू ए बी है, प्लस में लॉग सी बेस पे सी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉग एम और प्लस क्या है लॉग एन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग एम इंटू एन, क्या होगा लॉग एम इंटू एन यानी वन अपॉन लॉग ए बी सी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बेस कौन सा है ए है, प्लस में वन अपॉन लॉग बी बेस पे ए बी सी है, प्लस वन अपॉन लॉग सी बेस पे ए बी सी है। अब यहाँ पे क्या लगाने वाले प्रॉपर्टीज, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज है आपका, अब हमने आपको बताया है इससे प्रीवियस वीडियो या फिर शायद इसी वीडियो में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था शायद, ये वाला प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा, नहीं ये वाला प्रॉपर्टीज़ नहीं है, चलिए प्रीवियस वीडियोज में बताया था हमने, यहाँ पे आपको बता देते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या लिखिएगा, यदि आपका लॉग ए बेस पे बी रहता है तो आप उसको लॉग बी अपॉन लॉग ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लॉग ए बी सी तो नीचे रहेगा और अपॉन क्या रहेगा लॉग ए, तो ये लॉग अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन लॉग ए बी सी, प्लस में लॉग बी अपॉन लॉग ए बी सी, उसी प्रकार लॉग सी अपॉन लॉग ए बी सी, क्या है लॉग ए बी सी। फर्दर क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो अब हमारा सिंपलेस्ट अप्रोच हो चुका है, अब क्या करना है सिंपल हमारा लॉग ए बी सी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे लॉग एम इंटू एन के तौर पर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका लॉग ए बी सी अपॉन क्या है नीचे भी आपका है लॉग ए बी सी, जो कि हमने कॉमन लिया, तो ये दोनों कट के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा वन के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर, नंबर नाइन्थ क्वेश्चन लिखा जा रहा है, यदि लॉग टेन बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव का वैल्यू जीरो है तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो निकाल लेते हैं हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन टू द पावर जीरो, यानी वैल्यू हो गया वन के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, क्या है प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें क्या वैल्यू पता चला, यहाँ से हमें वैल्यू पता चला एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर टेंथ क्वेश्चन, नंबर टेंथ क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि लॉग टेन बेस पे टेन प्लस में लॉग टेन बेस पे टेन टू टेन का स्क्वायर प्लस लॉग टेन बेस पे टेन का क्यूब, इसका क्या है आपको अप टू टेन टू द पावर एन तक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा आप समझिएगा, देखिए पहला लॉग टेन बेस पे टेन है तो इसका वैल्यू क्या होता है वन होता है, पता है आपको, हमने आपको बताया है इसका वैल्यू क्या होता है, सेम बेस पे अगर अंदर का वैल्यू भी सेम रहता है तो वैल्यू वन के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्या है लॉग टेन बेस पे टेन का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इस टेन का स्क्वायर को जो आपका स्क्वायरिंग है इसका दो पीछे कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग टेन बेस पे टेन हो जाएगा, फिर प्लस में क्या करेंगे लॉग थ्री पीछे कर लेंगे लॉग टेन बेस पे टेन हो जाएगा, प्लस अप टू कहाँ तक आगे तक जाएगा और एन पीछे आ जाएगा लॉग टेन बेस पे टेन हो जाएगा, इस सब का वैल्यू वन, सब का वैल्यू वन, सब का वैल्यू वन, ठीक है। तो यह इसका वैल्यू क्या जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस कहाँ तक अप टू एन तक, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, और एन नेचुरल नंबर का सम का वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यही इसका आंसर होगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर पे भी दिया जा सकता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर पे भी दिया जा सकता है, तो सभी के लिए सेम टू सेम आपको मेथड अप्लाई होगा, लेकिन क्या होगा इसका आंसर सबके सब में डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के सम अलग होते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर के डिफरेंट होते हैं सम, और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर के भी सम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सभी के आंसर डिफरेंट होगा लेकिन अप्रोच सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये हमने बता दिया, आप बाद बाकी दोनों जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। बस एक और वीडियो लेक्चर बच चुका है लॉगरिथम का, वो खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट अलजेब्रा के पोर्शन की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।